हेलो मैम, हाय। आपका नाम क्या है? आरुषि। आरुषि मैम, सो हाउ वाज योर इंटरव्यू मैम? इट वाज नाइस। तो आपको कितनी देर चला होगा, आपको कोई आइडिया? आई थिंक 25 to 30 minutes। सो आपको क्या लगता है, आपका कैसा गया इंटरव्यू? इट वाज अ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, तो फील अच्छी है। ओके, सो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको इस इंटरव्यू को आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग बनाया है, जहां पे आपको लगा कि कुछ लीक से हटके पूछ दिया है, या अनप्रिपेयर्ड थे आप, ऐसा कुछ? हट के क्वेश्चंस थे, हाउएवर वो ऐसे फैक्चुअल नहीं थे, तो आई वाज नॉट अनप्रिपेयर्ड। मतलब ऐसे एनालिटिकल टाइप के थे, जैसे मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में काफी डीप क्वेश्चंस थे। ओके नाइस। तो आपने बोला फिलॉसफी ऑप्शनल चूज किया है आपने, तो कोई रीजन, क्योंकि बहुत जल्द कॉमन नहीं है फिलॉसफी चूज करना, तो कोई क्या कोई स्पेसिफिक रीजन था आपका? इसका सिलेबस मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा था, फिर मैंने जब सब्जेक्ट ट्राई करा, कुछ दिन पढ़ा, तो काफी इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट बेस्ड। तो अगर आपको एडवाइस देनी हो कोई ऑप्शनल चूज करने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे इंटरेस्ट? देखिए, सबसे पहला आप अगर अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास 4 साल या 3 साल की बैकिंग होती है, सो नंबर 1 इज दैट। अगर नहीं ले सकते, फिर आप जाइए, पहले शॉर्टलिस्ट करिए टेक्निकल रीजंस पे, कि किसका सिलेबस छोटा है, किसमें नंबर आ रहे हैं, 3-4 शॉर्टलिस्ट बनाइए। फिर तीसरा पॉइंट इंटरेस्ट, तो फाइनल इंटरेस्ट बेस। अच्छा, और ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट, सेकंड इंटरव्यू। फोर्थ अटेम्प्ट, सेकंड इंटरव्यू। तो कुछ आपने फाइंड किया होगा कि 2 अटेम्प्ट शुरू में नहीं हुए, तो कोई ऐसी गलती जो आपको अभी रियलाइज हुई और आप जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे? तो पहले 2 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ओके, सो सबसे बड़ी गलती सबसे पहले अटेम्प्ट में थी, ओवर कॉन्फिडेंस कि अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हो ही जाएगा, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। नाइस। और सेकंड वाले में थोड़ी सी रिविजन की कमी रही। ओके, तो नए स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि रिवीजन जितनी आपको लगता है करनी चाहिए, उससे 2 ज्यादा कर लो। अब ना थोड़ा सा बेसिक थोड़ी सी डिटेल पे बात कर लेंगे कि प्रीलिम्स के लिए जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, खासकर बिकॉज हम एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो ज्यादातर अभी वैसे आपका मीडियम इंग्लिश है, बट कंटेंट तो सेम ही रहता है, तरीका प्रोसीजर सेम ही रहता है, तो हिंदी मीडियम या जो भी वो बच्चा नया शुरू करना चाहता है, वो किस तरीके से शुरू कर सकता है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में, मेंस में, अनफिर इंटरव्यू के लिए, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले शुरू कीजिए, जो मेंस का सिलेबस है उसका प्रिंट निकालो। okay. उसे ढंग से पढ़ो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स कौन से हैं। फिर क्या करो कि टॉपर वीडियोस देखो, यूट्यूब पे फ्री हैं। okay. और वहां से एक सोर्सेज की लिस्ट बनाओ। तो पहले स्टेप में आपने सब्जेक्ट की लिस्ट बना ली, सेकंड में आप उन सब्जेक्ट के सोर्सेज लिख दोगे। अच्छा। कि इस सब्जेक्ट के लिए ये सोर्स है। अब क्या करना है, जो बेसिक सोर्सेज होते हैं, जैसे एनसीईआरटी है, तो पढ़ाई शुरू करनी है एनसीईआरटी से। अच्छा। पहले शुरू करो 11th क्लास से। अब जैसे कोई सब्जेक्ट 11th में समझ नहीं आया, तो 9th पे जाओ, वहां भी समझ नहीं आया तो 6th पे जाओ, ऐसे। फिर एनसीईआरटी एक बार कवर हो जाएंगी, साथ में शुरू हो जाएगा न्यूज़पेपर रोज का, न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है। उसके बाद बेसिक बुक्स जो आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, या हिंदी मीडियम में भी आई थिंक लक्ष्मीकांत तो आती है राइट, तो वो वाली बेसिक बुक्स उठाओ जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा। इसके बाद क्या आप करोगे, ये 1 रीडिंग हो गया एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में चलने शुरू हो जाएंगे। ओके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में असेस करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। फिर जो आपने सिलेबस सबसे पहले देखा था, सिलेबस के हर पॉइंट पे आपके पास नोट्स या कुछ कंटेंट होना चाहिए। okay. तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स में कवर नहीं होते हैं, तो उन्हें अलग से कवर करना है, चाहे वो गूगल करके करा जाए या किसी टॉपर के नोट से करा जाए। और फिर फाइनली प्रैक्टिस। ओके, नाइस मैम। और आपने फिर कोई गाइडेंस वगैरह के लिए कोई कोचिंग वगैरह प्रेफर किया था, या सेल्फ स्टडी किया आपने पूरा? मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में ऑफलाइन कोचिंग करी थी। ओके। बट तब मैं ज्यादा पढ़ती नहीं थी, तो फाइनली जो एग्जाम के प्रोसेस में सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी, यानी एट द एंड सेल्फ स्टडी काम आने वाली है। ओके मैम, और फिर आप इतने लंबे समय तक टिके रहे, तो कोई एक मोटिवेशन का कोई फैक्टर आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि थकाने वाला एग्जाम है, बहुत लंबा प्रोसेस है, टफेस्ट एग्जाम है, तो वो क्या चीज थी जो आपको जोड़ के रखा अभी तक फोर्थ अटेम्प्ट तक, वो आप बताइए थोड़ा। कोई मोटिवेशन का सोर्स होगा, सपना पूरा होने की एक्साइटमेंट। ओके, नाइस। और फिर आपका कोई पहला प्रेफरेंस क्या? आईएफएस। व्हाई सो मैम? जो जॉब प्रोफाइल है आईएफएस की। अच्छा। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इंडियन डिप्लोमेट का प्रोफेशनल लाइफ। सेकंड प्रेफरेंस क्या थी मैम आपकी? सेकंड आईएएस, बट वो तो रेटोरिकल है। ओके नाइस मैम। अब लास्ट में एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि कोई आप 3 टिप्स देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खासकर जो रिपीटर्स हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, फिर हम एंड करेंगे अपना इंटरव्यू। देखो, पहली टिप, अगर सही में प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करो, टाइम मत वेस्ट करो। okay. अपने आप को, अपने घर वालों को पागल मत बनाओ। राइट। सेकंड,
हर हफ्ते लगेगा नहीं होगा या हर मानने का मन करेगा, उस टाइम पे याद रखना है कि होगा। जिस इंसान की रैंक 1 भी आई है ना, उसे भी हर हफ्ते लगता था कि नहीं होगा, सो कुछ अलग नहीं है। फिर थर्ड, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे टेस्ट करते रहो, तो कंटिन्यूअस टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूजा करनी है। तो ये तीन टिप्स, तीन चीजें जो करनी चाहिए, और तीन चीजें जो आपने रियलाइज की कि नहीं करनी चाहिए थी आपको, तो थोड़ा सफलता जल्दी मिल सकती थी। देखिए टॉपर वीडियोस में ना वो लोग अपनी गलतियां बताते हैं, तो हम उसे देख तो लेते हैं बट उन गलतियों से सीखते नहीं है। करेक्ट। तो जो टॉपर्स की गलतियां हैं उन्हें अपनी गलतियां नहीं बनने देना है, वन बस, ठीक है। सेकंड, जितने डिस्ट्रैक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हटाया जा सकता है, उन सबको यूज नहीं करना है। ओके, डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ना है। फिर तीसरा क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वही चीज कि अपने आप को पागल मत बनाओ, ऑनेस्ट रहो अपने टाइम टेबल में, अपनी स्टडी में। ओके, नाइस मीटिंग विद यू मैम, कांग्रेचुलेशन, आप यहां तक पहुंचे, और विश करते हैं हमारी टीम और हम आपका इसी साल और बहुत अच्छे से आप सेलेक्ट होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके।